हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स देखेंगे। पैटर्न्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कंपनी के प्लेसमेंट में ये पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुत ही सिंपलेस्ट पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्क्रीन पर यह विजिबल होगा ये पैटर्न, और अगर हम इस पैटर्न को एनालाइज करें तो इसमें स्टार्स की हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। पहली रो में एक स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में दो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी रो में तीन स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, चौथी रो में चार स्टार्स, पांचवी रो में पांच स्टार। और अगर हम यूजर्स इनपुट ले लें कि उसको कितनी लाइन्स प्रिंट करनी है और उतने ही स्टार या उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्स प्रिंट करें, तो इस प्रोसेस को करने के लिए मान लीजिए कि यूजर एक इनपुट करता है एन, और हम उस एन के लिए, लेट्स से एन इज इनपुट, और उस एन के लिए हम लोग स्टार्स प्रिंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यूजर ने एन इनपुट किया और उसके बाद फिर हमने एक लूप चलाया और लूप को हमने एन टाइम्स चलाया है, और एन टाइम्स लूप चलाने के बाद हम इसमें प्रिंट कर देते हैं स्टार। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि हम एन स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम एन स्टार्स प्रिंट कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, तो इस जैसी ही एक्टिविटी हर लाइन में हो रही है। तो हर लाइन में एक्टिविटी होने का क्या मतलब है कि हर लाइन में कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, तो जो लाइन नंबर है उतने ही स्टार्स हमारे प्रिंट होंगे। इसलिए ये जो लाइन स्टार्स प्रिंटिंग करने की एक्टिविटी है ये रिपीट होगी। तो ये हमने एक लूप बनाया जो कि हर लाइन के लिए इंडिकेट करेगा और हर लाइन में हम स्टार्स की प्रिंटिंग करेंगे। हमने रिपीट करा दिया स्टार प्रिंटिंग की एक्टिविटी, लेकिन इनर लूप को हमने रिस्ट्रिक्ट किया। इनर लूप एन टाइम्स न चल के बल्कि लाइन नंबर के टाइम चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि जे इज रिप्रेजेंटिंग द लाइन नंबर, देन द इनर लूप शुड रन फॉर जे टाइम्स। इसका मीनिंग ये है कि पहले पहला जब लाइन होगा तो वन स्टार प्रिंट होंगे केवल, दूसरी लाइन होगा तो टू स्टार्स, तीसरी लाइन होगा तो तीन स्टार, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जैसे ही पहली लाइन खत्म होगी उसके बाद हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो एंडल आप लगा दीजिए अगर आप सीपीपी में कोड कर रहे हैं, और अगर आप सी में कोड कर रहे हैं तो स्लैश एंड लगा दीजिए पहली लाइन को प्रिंट करने के बाद, फिर दूसरी लाइन को प्रिंट करने के बाद, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आइए इसको हम रन करके देखते हैं। पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं या हटा देते हैं क्योंकि ये हमें एरर्स देगा। ओके, हमसे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइंस। अगर हमने फाइव लाइंस इनपुट किया तो आप देख सकते हैं कि फाइव लाइंस के अकॉर्डिंग इसमें स्टार्स प्रिंट हो गए। इसी तरह से अगर आप इसको नाइन लाइंस इनपुट करा दें तो ये नाइन लाइंस के हिसाब से स्टार प्रिंट करेगा। फर्स्ट लाइन में एक स्टार, दूसरी में दो, तीसरी में तीन, चौथी में चार, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाइन लाइन्थ में, नाइन्थ लाइन में नौ स्टार्स प्रिंट। तो ये वन ऑफ द पैटर्न था। इसके बाद हम पैटर्न्स और चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको जो प्रिंटिंग करानी है वो नंबर्स की प्रिंटिंग करानी है। फॉर एग्जाम्पल, वन टू टू थ्री थ्री थ्री, फोर फोर फोर, फाइव फाइव फाइव, ऐसा आपको पैटर्न प्रिंट कराना है। ऐसे पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए अगर हम एनालिसिस करें तो स्टार जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं, और हम ऐसा मान सकते हैं कि इसमें जो लाइन नंबर है वही प्रिंट हो रहा है। तो इस केस में जो हम प्रिंटिंग करा रहे हैं उसमें प्रिंटिंग को हम लाइन नंबर प्रिंट करा देते हैं रादर देन प्रिंटिंग द स्टार। तो सी आउट में जहाँ पे आपने स्टार लिखा था उसकी जगह लाइन नंबर जे लिख दीजिए, वो प्रिंट करा। रन करके देखते हैं। यस, इसको हटाना पड़ेगा हमें क्योंकि ये अनवांटेड कोड है। तो हम यहाँ पे अगर सिक्स इनपुट करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में एक वन, सेकेंड लाइन में टू टू, थर्ड लाइन में तीन थ्री, फोर्थ लाइन में चार फोर्स, फिफ्थ लाइन में पांच पांच, और सिक्स लाइन में सिक्स सिक्स प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमारा पैटर्न सही है। एक और पैटर्न के बारे में सोचते हैं और ऐसे प्रिंट करते हैं ए बी बी सी 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 डी
एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब है कि जब नंबर प्रिंट हो रहे थे पिछले वाले पैटर्न में, उसकी जगह यहाँ पे अल्फाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें अल्फाबेट्स प्रिंट करें। अल्फाबेट्स के लिए आपको पता होगा कि हम ASCII कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए को प्रिंट करने के लिए हम सिंपली डायरेक्टली ए लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें कि अगर हमें बी प्रिंट करना है और हम ए में वन को ऐड कर दें, तो ये बी की ASCII वैल्यू हो जाएगी और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम बी को प्रिंट करते हैं। सिमिलरली, अगर हम ए में टू ऐड कर दें, तो ये सी की प्रिंटिंग करने लगे, और अगर हम ए में थ्री को ऐड कर दें, तो ये सी की प्रिंटिंग करने लगे। तो इसी को हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। अगर हमें फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग ए की करनी है, तो हमने ये कहा कि हम सिंगल कोट्स में ए की प्रिंटिंग कर रहे हैं, एंड देन उसमें हम रो नंबर माइनस वन कर रहे हैं। रो नंबर माइनस वन इसलिए कि फर्स्ट टाइम हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। रो नंबर अगर वन है तो हम जीरो ऐड करता है, रो नंबर टू है तो वन ऐड करना है, रो नंबर थ्री है तो टू ऐड करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसीलिए हमने जे माइनस वन यहाँ पर लिखा है। आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमने यूजर्स इनपुट कराया सिक्स लाइन्स, ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। इनको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं और एक कैरेक्टर वेरिएबल में इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स से कैरेक्टर एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन, एंड देन कैरेक्टर को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंटिंग एक्टिविटी है लूप के अंदर करें। जब से हमने यहाँ पे एंट्री किया सेवन, तो आप देख सकते हैं कि सेवन लाइंस प्रिंट हो रहे हैं और हर लाइन में कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं उतने ही टाइम्स जितने ही हमारा रो नंबर था। थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसमें प्रिंटिंग हम ऐसे करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन एट नाइन एंड देन एंड नेक्स्ट लाइन में इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, समथिंग लाइक दिस। तो अगर हमें ये प्रिंटिंग करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं और हर बार नंबर जो मेरा है वो बढ़ जा रहा है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि हर लाइन में जो नंबर्स हमें प्रिंट हो रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम में प्रिंट हो रहे हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक वेरिएबल के ले लेते हैं, उसको वन से स्लाइस कर लेते हैं, और हमें जो प्रिंटिंग अप करानी है वो के की करानी है। तो अगर हमें के की प्रिंटिंग करानी है, तो के की प्रिंटिंग कराने के लिए सी आउट डायरेक्टली हम के करेंगे, लेकिन जब भी हम के को प्रिंट कराएंगे उसके बाद के को इंक्रीमेंट कर देंगे, ताकि नेक्स्ट जो प्रिंटिंग हो वो बढ़े हुए नंबर की हो। फाइन, चलिए हम इसको रन करके देखते हैं इस कोड को। देख सकते हैं कि हमने फाइव लाइंस प्रिंट की है, और फाइव लाइंस को प्रिंट करने के बाद हर लाइन में हर नंबर जो मैंने हर जो प्रिंटिंग हो रही है वो बढ़ते हुए क्रम में हो रही है। ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है प्रिंटिंग करना, तो इस काम हम करते हैं कि हर एक प्रिंटिंग के बाद एक स्लैश टी लगा देते हैं। तो हर एक प्रिंटिंग के बाद अगर आप स्लैश टी लगाएंगे, तो आप देख सकते देखेंगे कि थोड़ा बेटर तरीके से ये प्रिंट होता हुआ देखते हैं। जैसे हमने फाइव प्रिंटिंग किया, थोड़ा सा बेटर तरीके से ट्रायंगुलर राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपको दिख रहा होगा। इसके बाद मान लीजिए कि हम एक छोटा सा पैटर्न और बनाते हैं। जैसे हमने नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में बनाया, वैसे अगर हमें प्रिंटिंग ऐसे करना हो, ए बी सी डी ई एफ एन जी एच आई जे समथिंग लाइक दिस, मतलब क्या है कि पहले जो पैटर्न था वो नंबर्स के लिए था, अब ये अल्फाबेट्स के लिए। सिंपल आप इसको भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एक कैरेक्टर ले लीजिए और उस कैरेक्टर को एक्स मान लीजिए और उस कैरेक्टर को ए से इनिशियलाइज कर, और अब आपको जो प्रिंटिंग करनी है वो कैरेक्टर एक्स की करनी है और इसके बाद एक्स को इंक्रीमेंट कर देना है। तो हर बार जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो एक्स को इंक्रीमेंट कर दीजिए। एक्स की जरूरत शायद ना पड़े क्योंकि ये अल्फाबेट्स है। रन करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपने फोर इंटर किया, ये तो बढ़ते हुए क्रम में है। सिमिलरली अगर आप एट इंटर करेंगे, तो
ये बढ़ते हुए क्रम में है कैरेक्टर्स, ये चूंकि एग्जॉस्ट कर दे रहा है सारे कैरेक्टर्स, इसीलिए इसमें आपको लास्ट लाइन में एब्सर्ड कैरेक्टर को देखते हैं। अगर आप इसको केवल सिक्स तक रन करेंगे तो केवल आपको अपर केस में अल्फाबेट से लिखते हैं, सिक्स दिया, आप देख सकते हैं कि इसमें अपर केस में ही अल्फाबेट से लिखते हैं। तो आई होप आप सीरीज को अच्छे से स्टार्ट कर पाए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और पैटर्न्स देखते हैं।